उत्तराखंड में जल स्रोतों के सूखने की खबर इन दोनों सुर्खियों में है। इसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर पानी को लेकर चिंता करना शुरू कर दिया है। वहीं पेयजल संस्था के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमने ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ जल स्रोतों के सूखने की समस्या रहती है, साथ ही आम जनमानस को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े, इसके लिए पर्याप्त टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं जिनसे हम लोगों तक पानी पहुंचाएंगे, जिससे पानी के संकट को दूर किया जा सकेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जी, गर्मियों में ग्रेविटी सोर्सेज में पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो हमने गांव में 346 हैबिटेशन चिन्हित कर लिए हैं जिसके लिए हम टैंकर से पानी देंगे अगर वहां पे कम हो। और अर्बन एरियाज में, शहरों में 192 मोहल्ला चिन्हित किए गए हैं, वहाँ भी हम टैंकर से पानी देंगे। विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर्स हैं और इसके अतिरिक्त 231 निजी टैंकर्स चिन्हित किए।